जा रहे हैं। देखो क्या सही जगह, हम पता है एक एक जगह पे रुक रहे जा रुक रहे। तो फाइनली हम लोग झरने के पास आ गए, मैं और मैंने फिश पकड़ी। इतना भयानक फंस गए, बाप रे, भोपाल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया हमारा, इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक। तो फाइनली हम लोग ढाबे पे रुक गए और ढाबा भी हमको क्या मस्त मिला, पूरा साग। तो हमने मंगाए हैं फ्राइड राइस और मंचूरियन और एक पनीर की चीज सैंडविच। फाइनली हम लोग इंदौर पहुंच गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ इंदौर, बट इस बार मैंने रूट दूसरा लिया है क्योंकि मैं हरदा वाले रूट से जाता हूँ और उसकी वीडियो मैंने डाली है और वो बहुत ज्यादा चल रही है क्योंकि वो रास्ता ज्यादा ही लोग सर्च भी कर रहे हैं और मुझे कमेंट्स भी आते हैं बार बार। तो मैं वो हरदा वाले रूट से इस बार नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए मैंने वीडियो डाल रखी है। उस रूट पे काम चल रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए उस रूट पे नहीं जा रहा हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ वाया भोपाल, तो मैं यहाँ से जाऊंगा बैतूल, बैतूल, इटारसी, भोपाल और फिर इंदौर। वो रास्ता मेरे लिए भी थोड़ा नया है क्योंकि इटारसी तक का रास्ता मैंने देखा है, इटारसी के आगे का रास्ता मैंने नहीं देखा है, तो मेरे लिए भी बिल्कुल न्यू है। सो चलिए आप देखते रहिए मेरी वीडियो और मैं बताता हूँ रास्ता कैसा है कैसा नहीं है और मेरी जर्नी भी बताता हूँ। अभी मेरी वाइफ और मेरी बेटी आना बाकी है, वो दोनों आ जाएंगे और फिर निकलेंगे। अभी मैं सामान जमा रहा हूँ गाड़ी में। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होता है। फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन के लिए निकल गए इंदौर के लिए और भोपाल रूट लेंगे। अभी थोड़े से लेट हो गए बीच में और अभी निकले हैं घर से बाहर से, चलते हैं धीरे धीरे, आपको बताते हैं रास्ता कैसा है। बारिश जैसा मौसम तो हो ही रहा है बाहर और बहुत ही सही मौसम हो रहा है, तो आगे रास्ता कैसा मिलता है वो भी बताता हूँ आपको। चलिए फाइनली हम लोग नागपुर के बाहर निकल गए हैं और मौसम एकदम सही हो रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम दिख रहा है और दियारा सबको हेलो बोल रही है। हेलो बोल दो एक बार दियारा, हेलो बोलो जोर से, हेलो। सब देखते हैं, रोड तो अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, मजा आएगा जर्नी में। दियारा कहाँ जा रहे अपन, कहाँ जा रहे अपन, अपन इंदौर जा रहे हैं। मतलब इतना बोलना आ गया आजकल, चश्मा वश्मा पहन के उसका पांडा वांडा लेके बैठ गई है, अब ये पूरी जर्नी ऐसे ही बैठी रहेगी। चश्मा उतारो ना, बहुत शौक है। नहीं चश्मा नहीं उतारना, चश्मा हाथ में रहना, नहीं तो अभी यहाँ पे क्रांति हो जाएगी। क्या दिख रहे हैं बिट्टू चश्मे में, सब कुछ। एक्शन देख लो कैमरे में, सबको हाय बोल दो। हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू डूइंग। नागपुर से बाहर निकलते ही दो बार पुलिस वालों ने चेक कर लिए पेपर, दो बार, मतलब 10 मिनट की गैप में मेरे दो बार पेपर चेक हुए गाड़ी के। इतना प्रॉब्लम है, अब जैसे एमपी बॉर्डर क्रॉस करूंगा ना, मुझे, मैं गारंटी देता हूँ, मेरे को इंदौर तक एक पुलिस वाला नहीं मिलेगा। मुझे नागपुर के पास आते ही ध्यान रखना पड़ता है कि स्पीड ट्रैकिंग का, जो आते टाइम रहता है, जाते टाइम नहीं रहता है, आते टाइम स्पीड ट्रैकिंग वाला मिल ही जाता है क्योंकि उनको पता है एमपी का बंदा आएगा फंसा लेंगे, तो ये चल ही रहा है यहाँ पे। और हमेशा हमको रोका जाता है, हमेशा रुकते हैं हम, हमेशा कभी बेबी का बहाना मारते हैं, अब क्या करें। स्पीड ब्रेकर नहीं है मैडम। देखते हैं और कहां मिलती है, वैसे तो एमपी में कहीं पुलिस नहीं मिलेगी मेरे को, ये गारंटी है क्योंकि कभी ही नहीं मिली। मैं हरदा वाले रोड से जाता हूँ, वहां तो मुझे कभी नहीं मिली, बट इस बार भोपाल वाले रोड से जा रहा हूँ तो पता नहीं मिल जाए, तो देखते हैं क्या होता है। आज ग्रीनरी कुछ ज्यादा ही, क्या नजारा है बाहर का, एकदम सही। अभी तक बारिश नहीं मिली, हल्की हल्की बारिश मिल रही है,
और यहाँ पे तो घाट चालू है और क्या एकदम हरियाली हरियाली चारों तरफ, मजा ही आ गया एकदम गाड़ी चलाने का। थोड़ी बारिश भी देखने को मिलती तो मजा आता और ज्यादा, और बहुत ज्यादा हरियाली और एकदम मस्त माहौल हो रहा है। एक घाट है, घाट पे अभी चल रहे हैं, हालांकि अभी तो बैतूल पहुंचने के लिए बैतूल 72 किलोमीटर समथिंग ही बचा है, अब ज्यादा नहीं बचा है, पहुंच जाएंगे अभी। फिर उसके आगे भी और घाट आएगा, इटारसी के आसपास भी अच्छा घाट है एकदम, वो बताऊंगा आपको। हमारे डॉन साहब सो के जागते हैं और एकदम शांति से बैठे हैं। लियो ए हीरोइन हाय कर दे, सोना हो गया, उठ गए मैडम, अच्छी खासी नींद होगी पर हमको बारिश नहीं मिल रही है अभी तक के। एकदम मौसम बारिश वाला हो रहा है पर बारिश बिल्कुल भी नहीं मिल रही हमको, क्या बताऊं, बहुत इच्छा है बारिश देखने की। देखना शुरू करो। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमको फिर से पुलिस मिल गई है। यहाँ से अंदर लेफ्ट हैंड साइड में कटते तो अपन हरदा जाते, बट अभी यहाँ जा रहे हैं। तो पुलिस ने फिर से पहली बार इस जगह पे रोका, कभी रोका नहीं है पुलिस वालों ने। तो यहाँ से हरदा जाते हैं ये वाले रास्ते से, बट अपन अभी भोपाल जा रहे तो ये रास्ते से जाएंगे। और ये बिल्कुल अपनी नई जर्नी है, अभी तक के ये रास्ते पे मैं बहुत टाइम पहले गया था इटारसी तक, उसके आगे का रास्ता मुझे कुछ पता नहीं है। सो चलो कैसी रहती है जर्नी बताता हूँ। अभी रुके हैं यहाँ पे बैतूल के आगे आ गए हैं हम लोग, और अभी यहाँ पे रुके हैं ढाबे पे। अब देखते हैं, अभी तक का रास्ता तो अच्छा था, इसके आगे का पता नहीं कैसा क्या है रास्ता क्या नहीं। और अभी चल रहे हैं, खाते हैं बाहर क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखते हैं। नीम पानी ढाबा ही है और बारिश भी आ रही है हल्की हल्की, पर देखते हैं। देखो ये ढाबा है नीम पानी। अभी खाना वाना खाते हैं, थोड़ा 1:30 बज गई है, थोड़ा लेट भी हो गए थे हम, 10-10:30 बजे के आसपास बाहर निकले थे। अब रुकते हैं थोड़ी देर, खाना वाना खाते हैं और फिर आगे निकलेंगे। अभी तक का रास्ता ठीक है, इसके आगे का रास्ता कैसा होता है मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, पर अच्छा है रास्ता, 4 लेन ही मिलेगा शायद तक। हाय कर दो दियारा, दियारा दिखी नहीं रही, हाय कर दो उनका चश्मा। तो हम ऐसी जगह बैठे हैं, मतलब यहाँ रेस्टोरेंट में अभी ऑर्डर किया है खाना, अभी आएगा, वहाँ ओपन किचन है, सामने काउंटर है, अभी खाना वगैरह आएगा, खाना वाना खाएंगे और फिर आगे निकलेंगे हम थोड़ी देर में। अभी देखते कितने से क्या चलता है। अभी हमारा खाना वगैरह हो गया है, हम निकल रहे हैं अब आगे। ये बैतूल से कुछ 20 किलोमीटर आगे है नीम पानी ढाबा करके, ये इसका नाम है ढाबे का, और बहुत मस्त खाना दिया, एकदम खाना एकदम अच्छा है, बहुत अच्छा खाना था। एमपी में आप एंटर कर दो, एमपी में आपको खाना अच्छा मिल जाता है, मस्त ढाबा है। कैसा लगा खाना है, बढ़िया है, दिल खुश हो गया ना, मस्त। अब सो जाएंगे अब गाड़ी में घुस के सो जाएंगे। सेंटीपीड गया बेटा, सेंटीपीड गया, वो सेंटीपीड ढूंढ रही है, उसको सेंटीपीड दिखा दिया था। चलिए आगे रास्ता बताता हूँ अब कैसा क्या है। इस तरफ जाना है अपन को, यहाँ से अपना रूट है। अभी हम पहुँच गए हैं घाट के पास, यहाँ पे बंदरों का खेल चालू हो गया है, बंदर मिल गए हमको, ढाबे से निकलते ही चालू हो गया घाट। ये पूरा घाट है, हरियाली बहुत हो रही है जंगल में, एकदम सही हरियाली, एकदम क्या बताऊं। और बंदर तो इतने सारे, बाप रे कितने सारे बंदर हैं। रोड ठीक ही लग रहा है मेरे को यार, मैंने 20 किलोमीटर आगे आया हूँ मैं बैतूल से और फिर ये जंगल चालू हो गया है घाट पे, गड्ढे हैं घाट पे थोड़े, पर ठीक है, अभी देखते हैं आगे रोड कैसा मिलता है। अभी फिलहाल हम जंगल में ही चल रहे हैं, जंगल आया है, ठीक है, रोड गड्ढे तो हैं ही पर ठीक है, रोड थोड़ा बहुत,
अब देखते हैं आगे कैसा क्या रोड है। वहाँ से तो फार बेटर है मुझे कोई। हाँ वहाँ से मतलब वहाँ पे भी हरदा तक तो अब तो अच्छा ही हो गया था अब, पर देखते हैं अब ये रोड भी यहाँ पे अब गड्ढे गुड्ढे तो मिल ही रहे बीच बीच में, अभी जंगल में हैं हम लोग तो देखते हैं क्या होता है। रोड एकदम सराहनीय है, अब एकदम अच्छा रोड मिला हमको फोर लेन, और नज़ारे एकदम जोरदार है। मतलब मौसम भी अच्छा हो रहा है पर हमको बारिश नहीं मिली, धूप निकल गई उसकी जगह। मेरे को बहुत इच्छा थी कि बारिश में गाड़ी चलाऊं, पर देखते आगे मिलती कि नहीं मिलती बारिश। पर रोड अच्छा है, बस वो थोड़ा सा जंगल में खराब हुआ था, बट रोड अच्छा है अभी, अब बिल्कुल अच्छा है, फोर लेन ही चल रहा है। क्या प्यारा रास्ता चल रहा है, एकदम स्मूथ, एकदम मक्खन जैसा रास्ता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लीन है रास्ता। थोड़ा बहुत बीच बीच में पैच आ रहा है बट ठीक है, डाइवर्जन वगैरह, बाकी रोड एकदम मक्खन जैसा है। यहाँ पे पैच आया ऐसा, एक दो जगह पैच आया बस, पर रोड अच्छा है, बहुत अच्छा। तो एक बार फिर हम जंगल में आ गए और घाट आ गया वापस से, पूरा जंगल ही जंगल है। क्लाउडी हो गया, थोड़ा सा बारिश आ सकती है, क्लाउडी हो गया और बारिश भी आ सकती है। जंगल मस्त लगता है, जब भी जंगल में आते घाट आता है बहुत मजा आता है मेरे को गाड़ी चलाने। और रोड भी अच्छा है, पीछे भी रोड अच्छा था, घाट में भी रोड अच्छा है, थोड़ा बहुत ऐसा जरा पैच खराब है, बाकी मतलब बहुत अच्छा है रोड, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी रुके हम लोग भुट्टा खाने के लिए, स्वीट कॉर्न, और भैया भुट्टा बना रहे हैं हमारा, बताता हूँ आपको। हमारा भुट्टा बन रहा है यहाँ पे, बढ़िया भुट्टा उट्टा खाएंगे फिर आगे निकलेंगे। और हम बहुत रुकते रुकते आ रहे हैं, रास्ता भी अच्छा है, रास्ता बहुत ही बढ़िया है, और हम अभी तो चल रहे हैं, बढ़िया मजा आ रहा है। पर रोड अच्छा इसलिए सही है, नहीं तो थक जाते, वो रोड बहुत खराब था। और सामने एकदम नज़ारे सही है, पहाड़ वहाड़ बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम मौसम भी बहुत बढ़िया है। अभी हमारा स्नैक आ गया है और दियारा मैडम खा रही है, स्पेशल चक्कू से काटा जा रहा है उसके लिए कॉर्न। ले भाई, लो भैया, मेरा भी आ गया स्वीट कॉर्न दियारे के लिए, तो काटा जा रहा है ऐसे चक्कू से। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे हम थोड़ी देर में, थोड़ा दियू के ड्रेस व्रेस उसने गीला कर दिया, तो उसका ड्रेस व्रेस बदल के और फिर आगे निकलेंगे। अभी यहाँ पे रुके थे और भुट्टा वुट्टा खाया, नर्मदा नदी देखी, और अब आगे के लिए निकलेंगे। अब सीधा अब शायद भोपाल के आसपास जाके ही कहीं रुकेंगे, क्योंकि बहुत लेट भी हो गया हमको, 3-4 बजने आ गई है। तो अब थोड़ा सा फास्ट गाड़ी चलाएंगे और भोपाल तक पहुँचेंगे, क्योंकि फिर भोपाल से आगे और 3-4 घंटे की रनिंग रहेगी, क्योंकि इंदौर तक जाना है अपन को, तो वो रास्ता भी आपको मैं बताऊँगा। देखो हमको क्या जगह मिली यहाँ पे, क्या नदी है सही एकदम। सो हम लोग आए अभी यहाँ नीचे देखने, पानी का नज़ारा वगैरह, पानी के पास में थोड़ा नीचे भी आए, देखो क्या सही जगह है। थोड़ा सा जाएंगे पानी के पास, फोटो वॉक्स तो खींचते, रुकते थोड़ा सा। और एकदम पास में आ गए पानी के, देखना यहाँ पे पत्थर स्लिपरी है। आ गए पानी के पास, आ गए। पानी थोड़ा सा डर्टी डर्टी है, मिट्टी 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 है थोड़ी सी, बट ठीक है। क्या सही एकदम मस्त जगह है यार, आ जाओ इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम पत्थर ही है, कुछ भी नहीं है, बस यहीं खड़े रहो। तो यार सही है ना एकदम जंगल, गजा। लोग तो नहा भी रहे हैं वहाँ पे, एकदम वहाँ पे उधर साइड तो लोग, कुछ लोग नहा भी रहे हैं, सही है एकदम।
चलो हम भी फोटोग्राफी वगैरह करते हैं थोड़ा सा, और बताता हूँ फिर आगे क्या होता है। थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे, फिर जाएंगे आगे। सो हम नदी के पास गए थे अभी और बहुत मज़ा आया। दियारा को तो पानी में जाना था पर हम पानी में नहीं गए क्योंकि अभी हमको और आगे भोपाल जाना है और शाम हो चुकी है, 5 बजने आ गई है और हमको जल्दी भी पहुँचना है। पर ठीक है, लेट भी पहुँचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत मज़ा आया, वहाँ पे गए हमने, फ़ोटोज़ वगैरह खींचे। अब आगे निकल रहे हैं और गर्मी देखो कितनी है, मेरे को बिल्कुल पसीने पसीने में हो गया हूँ, बाप रे। पर रोड अच्छा है इसलिए मैं इतनी टेंशन नहीं ले रहा हूँ कि मैं हर जगह रुकते रुकते जा रहा हूँ। अगर रोड ख़राब होता तो मुझे यही टेंशन रहती कि मैं पहुँचूँगा तो, पर रोड अच्छा है इसलिए मैं बेफिक्र हूँ थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं कैसा क्या रोड मिलता है अपन को। अभी थोड़ी देर में हाँ, यहाँ पे व्यू पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं बजाय हरदा वाले रोड से। हरदा वाले रोड पे आपको जंगल वगैरह सब मिलेगा, घाट वगैरह, बट वहाँ कहीं आप उतर नहीं सकते हो नदी वदी के पास में, और कोई ऐसा नज़ारा नहीं मिलेगा, और जहाँ पे लोग आके रुके हुए ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल सुनसान रास्ता है। ये थोड़ा बिजी रोड है तो यहाँ पे आपको डर भी नहीं लगेगी, इसलिए ये रोड ज्यादा बेहतर है। कितना एंजॉय किया दियारा, बताओ कैमरे। चलो हाउ मच यू एंजॉयड, आपको फिर आगे बताता हूँ क्या है क्या नहीं। चलिए ये देखो क्या सही जगह, हम पता है एक एक जगह पे रुक रहे हैं, जहाँ रुकने की नहीं सोचते, थोड़े से आगे चले सोचते और फिर रुक गए। यहाँ पे देखो क्या झरना है, सही वो नदी वहीं मिल रही थी, लोग नहा रहे यहाँ पे मस्त, क्या सही यार, तुम सही जगह। तो फाइनली हम लोग झरने के पास ही आ गए, मैं और दियारा। हाय कर दो दियारा, दियारा दियारा हाय कर रही है, और हम लोग यहाँ पास में आ गए। ये देखो क्या सही जगह है, तो सही जगह है, बहुत ही सुंदर है। तो दियारा बेटा बैठो यहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नया ड्रेस पहनेंगे। फाइनली हम लोग यहाँ झरने के पास से रुके वापस से, और दियारा तो पानी में डुबकी भी लगा ली, पर यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से फिशेज है अंदर पानी में, बहुत सारी बहुत सारी है छोटी छोटी, अगर दिख रही हो तो पता नहीं, पर है बहुत सारी फिशेज है। और क्या झरना है यार, सही दियारा छप छप करना है, और करना है छप छप, आजा आजा ये कर दो छप छप कर दो, हाँ मच्छी, हाँ वहाँ है वहाँ पे फिश, वहाँ पे हाँ फिश वहाँ पे, पर हाय कर दो सबको, सबको हाय कर दो। चलिए धीरे से धीरे से धीरे से फिश पकड़ो, धीरे से फिश पकड़ो, धीरे एकदम धीरे से, मैंने फिश पकड़ी, हाँ 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 ये देखो दियारा फिश, ये टूटो फिश। अरे फाइनली पता है, बोलते बोलते कि अब नहीं रुकेंगे अब नहीं रुकेंगे करके, तो इतनी सारी चीजें बीच में आ रही है कि रुकना ही पड़ रहा है, और दियारा ने फर्स्ट टाइम झरना वरना कुछ देखा है तो इसके लिए मैं ज्यादा रुक रहा हूँ। और दियारा पानी में बैठ भी गई, दियारा को पानी में जाने का इतना मजा आता है, मतलब घर पे नीलाओ तो रोती है, और बस नदी देख ली इसलिए मेरे को पानी में जाना है, पूरे कपड़े उपड़े सब गीले कर लिए उसने, फिसल भी गई पानी में कुछ रास्ते में, उसने बहुत एंजॉय किया। पर दियारा के लिए अब कुछ खाने के लिए लेना है, हाँ तो ले लेंगे, मेरे भी कपड़े गीले हो गए यार, शी इज हंग्री नाउ एंड आई एम टू, ओके आई हैव टू ड्रिंक, चाय पिएंगे चाय पिएंगे चाय पिएंगे रास्ते में, क्योंकि अब मुझे भी चाय चाहिए, बहुत ऊपर नीचे बहुत ज्यादा कर लिया झरने में, बहुत नीचे तक करते 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 टाइम एक्सटेंड हो रहा है, हम रात को 9-10 बजे प्लान कर रहे हैं कि हम ज्यादा से फिर सो जाएंगे।
बस बाहर ही खा लेंगे और बाहर से ही सो जाएंगे आराम। चलिए आपको आगे रास्ता भी बताता हूँ। रास्ता बहुत अच्छा है, एकदम क्लीन है, हाईवे चल रहा है अभी भी, सो वो दिक्कत नहीं है और मस्त रास्ता एकदम मक्खन जैसा। बस इस रोड पे ये एक दिक्कत है कि यहाँ पे काउस देखो कैसे चल रही है, मतलब इतनी ज्यादा गायें हैं इस रोड पे, इतनी ज्यादा क्या बताऊं। और लोग गाड़ी धीरे करना नहीं चाहते, कोई अगर गाड़ी साइड में ले रहा हो तो पीछे से स्पीड में ला रहे हैं, जैसे आगे कोई गाय होगी, कोई दौड़ पड़े, कुछ नहीं, बस अपने पीछे से आगे कैसे निकल जाए लोगों को ये। और इतनी सारी गाय जैसे कार चल रही हो रोडों पे, ऐसे गाय है, गाय ही गाय। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब छोड़ देते हैं ये लोग गाय को। हाँ तो ये जंगल में से निकल गए, गांव वालों ने छोड़ दिए तो रोड पे आ गई है, पाली हुई गाय है सब। देखो उनके कान पे टैग लगा हुआ है, बाप रे इतना डेंजर, मतलब इतनी गाय कुछ ज्यादा ही गाय दिख रही है। इसको रोड नहीं गौशाला घोषित कर। सही बात है। भोपाल के पास आके थोड़ा बहुत मिल रहा है अभी रास्ता खराब, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा है रास्ता खराब बट डाइवर्जन मिल रहे। भोपाल के बिल्कुल ही पास आ गए हम लोग अभी, यहाँ पे डाइवर्जन क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर का काम चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ आके थोड़ा रास्ता खराब है, अब हम स्लो हो गए। बारिश का टाइम भी है पर ज़्यादा बारिश नहीं है और हमको रास्ते में बारिश मिली भी नहीं, इसलिए रोड ठीक है, नहीं तो अगर ज़्यादा बारिश होती तो और ज़्यादा कीचड़ होता, गाड़ी फंस जाती, पर ठीक है, बेहतर है रोड, डाइवर्जन भी ठीक है, अभी इतना गड्ढे गुड्ढे नहीं है। तो अभी चाय वाय पी के हम लोग निकल गए हैं और शाम की 6 बज चुकी है और भोपाल भी 33 किलोमीटर बता रहा है लगभग, अभी तक भोपाल नहीं पहुंचे हम, बहुत आराम आराम से कर रहे हैं, मतलब जितना जल्दी सोच रहे हो उतना इतना आराम आराम से काम चल रहा है हमारा, बट ठीक है पहुंच जाएंगे आराम से। रोड अच्छा है अब, ठीक है, वो बीच में थोड़ा सा एक 15-20 किलोमीटर का पट्टा आया था खराब, बट अभी ठीक है, वापस से 4 लेन आ गया है, तो अब देखते हैं इंदौर तक तो शायद 4 लेन ही है फिर। अभी हम भोपाल सिटी क्रॉस कर रहे हैं, अभी सिटी में आ चुके हैं पूरा अंदर तक और ये क्रॉस करेंगे। अच्छी सिटी है भोपाल भी, बहुत अच्छी है बनी हुई है, पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हमको बहुत टाइम लग रहा है यहाँ से बाहर निकलने में भी। अरे इतना भयानक फंस गए, बाप रे, भोपाल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया हमारा, इतना ट्रैफिक, ऐसे बोनट टू बोनट गाड़ी चलानी पड़ रही, बताओ मतलब पूरे रास्ते में नहीं मिला। हाँ इतना ट्रैफिक हमको पूरे रास्ते में नहीं मिला, इतने ट्रक भी नहीं थे जितनी गाड़ियाँ मिल रही है भोपाल से बाहर निकलने को। पिछले 1 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ नॉन स्टॉप और ऐसे कैसे गाड़ी चला रहा हूँ मैं, धीरे 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 आगे बढ़ रही है गाड़ी, मतलब इतना ज्यादा ट्रैफिक है क्या बताएं। सो फाइनली हम लोग भोपाल सिटी से बाहर आ गए, मैं बता रहा हूँ मैं भोपाल तक के पहुँचा मैंने एक बार भी, मतलब बहुत कम क्लच और ब्रेक दबाया होगा, और सिटी में आते बराबर इतनी भीड़ मिली मैं पागल हो गया, पागल, इतनी भीड़ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। अब हम थोड़ा खुले रोड पे आए हैं, अब यहाँ से हमको 3-1 घंटे लगेंगे। रोड अच्छा है, रोड कहीं ख़राब नहीं है, रोड बढ़िया है, बट सिटी विटी के आसपास से निकलोगे तो थोड़े डाइवर्जन है, पुल है और ये सब बन रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है। GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग ही है। देखो अभी ये दियारा उठे है मैडम पूरे दिन से सो के, बढ़िया इनका मोगली चल रहा है, पूरे दिन से इनका मोगली चल रहा है और आराम से उठे, अब अचानक पापा याद आए हैं, पापा से बहुत प्यार उमड़ रहा है इनका। ये देखो हल्क हो रहा है, ये हो रहा है, इतने देर से पीछे अंधेरे में बैठे थे, बिल्कुल अंधेरा था, कोई लाइट्स ऑन नहीं थी, कुछ नहीं थी, एकदम अंधेरे में गुप्त। और आज फिश देख ली है, झरना देख लिया, तो बहुत मजा आ गया इसको, फिश देखी थी। बट अभी भोपाल से आगे निकलने के बाद हमको रास्ता बहुत सही मिला हुआ है और खाली है रास्ता, आराम से हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाईपास वगैरह नहीं आया, तो ये भी मेरे साथ बोल रही है। सो
बस अब सीहोर क्रॉस कर लिया हमने, अब आष्टा क्रॉस करेंगे, उसके बाद में इंदौर ही है डायरेक्ट। और रात भी हो चुकी है, 8 बजने वाली है, 8 बज गई है, 8:03 हो गई है। सो फाइनली हम लोग ढाबे पे रुक गए हैं और ढाबा भी हमको क्या मस्त मिला है, पूरा सागर गेर करके है और यहाँ पे सभी कंपनियाँ लगभग आइसक्रीम की भी है और वाओ चाइनीज़ और सब कुछ है, मिंटो और सागर गेयर करके। सो अभी जा रहे हैं अभी अंदर, खाते देखते क्या क्या मिलता है यहाँ पे। क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है, चाइनीज खाओगी, क्या खाओगी, बहुत छोटी थी तब आई थी, क्या खाओगी, चाइनीज खाते देखते क्या खाते हैं। तो देखो इनको अभी यहाँ पे ला के भी खड़ा कर दिया है ना, तो ये ऑर्डर देने में हिचकिचाते, पता नहीं क्या। वाओ चाइनीज में से लेना, वाओ चाइनीज में से लेना भाई, वाओ चाइना है ये, देसी चाइनीज। तो क्या पे क्या लेना है बोलो, कुछ ऐसा कुछ फ्राइड राइस वगैरह ले, तो फ्राइड राइस दीव के लिए देखते हैं क्या करते हैं, अभी मंगा ले फटाफट। तो हमने मंगाए हैं फ्राइड राइस और मंचूरियन और एक पनीर की चीज सैंडविच। दियारा दियारा कुछ खा नहीं रही अभी, हम लोग खाते हैं पेट पूजा करते हैं फिर हमको निकलना भी है क्योंकि टाइम हो गया है 9:06, 11 बज ही जाएगी हमको पहुँचते पहुँचते। सो फाइनली हमने खाना वाना खा लिया है और अब आगे निकल गए, अभी 100 किलोमीटर और बचा है, 103 किलोमीटर, देखते हैं कितने देर में होता है हमारा 103 किलोमीटर। और रास्ता तो एकदम बढ़िया है, आराम से पहुंच जाएंगे, 1 घंटा बता रहे हैं, 1 घंटा और 59 मिनट अभी पहुंच जाएंगे, रोड पे आ गए हम, अब देखते कितनी देर में पहुंचते हैं। फाइनली हम लोग इंदौर पहुंच गए और बात ऐसी है कि ये रोड पे अगर आप आओ तो रात के टाइम एक चीज का बहुत ध्यान रखना, गायों का, क्योंकि रास्ते में आपको जगह जगह पे गाय मिलेगी और बीचों बीच बैठी है। चलो सफेद गाय तो आपको दिख भी जाएगी, बट अगर काली और ब्राउन गाय होगी तो दिखेगी भी नहीं आपको, और आपको बहुत ध्यान रख के गाड़ी चलानी पड़ेगी। इस पूरे रास्ते में आपको गाय बहुत मिलेगी, हरदा वाले रास्ते में इतनी गाय वाय कुछ मिलती ही नहीं थी, मतलब ना बराबर क्या थी ही नहीं, मतलब सच में बता रहा हूँ उस रोड पे नहीं, मेरे को कभी इतना कभी प्रॉब्लम नहीं आया गायों का जितना इस रोड पे मेरे को गाय का प्रॉब्लम आया। और भोपाल के आसपास आते बराबर आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, थोड़ा रोड पे भी काम चल रहा है तो वो चीज़ है, बाकी रोड बहुत अच्छा था। सीहोर के आसपास हम जब पहुंचे वहां से रोड बहुत ही सही था एकदम, तो ये रोड पे यही चीज ध्यान रखने वाली है बहुत ज्यादा। और हम लोग पहुंच गए इंदौर, सो फाइनली अब पहुंच गए हैं और इंदौर पहुंच गए और बहुत सही रोड था और मैंने जैसा बताया आप लोगों को। सो ऐसे ही देखते रहिए मेरी वीडियो, स्टे ट्यून्ड रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को, तो देखते रहिएगा ऐसे ही मेरा चैनल।